डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपसे बात अधूरी रह गई थी। जनरल फैज़ अगर 9 मई में इम्प्लिकेट होते, म्यूटनी का चार्ज बनता है वो, फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए तो म्यूटनी का चार्ज है, तो उसमें क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या सिविल कोर्ट में चलेगा? देखिए, अगर उस म्यूटनी के अंदर कोई शरीक होगा और अगर कोई एविडेंस सामने आएगा तो फिर तो ट्रायल होगा। मैं इमरान खान साहब की नहीं, जो भी उस म्यूटनी में शरीक होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं होगा एक ट्रायल। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि इस पर तकरार बहुत ज़्यादा हो रही है और बात आगे नहीं बढ़ रही। दूसरी बात हाफिज़ साहब ने भी की, उन्होंने कहा कि अवाम ने रद्द कर दिया वो फैसला 9 मई वाला जो था, जो मुकदमा था। अगर ये बात है तो ठीक है, फिर जब भी कोई जत्था आएगा या जब भी कोई इलेक्शन होगा तो जो कानूनी रेट है उसको फिर हमें ख़त्म करना चाहिए। जब फैसले कोई अगर इलेक्शन जीत जाता है तो इसका मतलब है कि फिर उसके बाद तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन जीत जाए तो वो तमाम क्रिमिनल जो आपके ऊपर चार्जेस हैं, चाहे वो म्यूटनी के हों, चाहे वो आग लगाने के हों, शहीदों के मुजस्मों के सर काटने के हों, या जहाज़ों को आग लगाने के हों, या कोर कमांडर के घर को आग लगाने के हों, या अस्करी टावर को जलाने के हों, या सरगोधा बेस पे हमला करने के हों, या कले के अंदर दाखिल होकर असला लूटने के हों, जब वोट हो गया तो फिर केसेस ख़त्म होने चाहिए और सबके ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि फिर तो जत्थों की मदद से राज होगा या वोट की तरफ से राज होगा, फिर अदालत की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हमें सिर्फ इलेक्शन करवाने चाहिए और इनको ख़त्म करना चाहिए। तीसरी बात, जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू हुई है, तो मिलिट्री कोर्ट्स आप ख़त्म करवा दें। आप कहें कि कोई फील्ड कोर्ट मार्शल आज के बाद नहीं हो सकता, मिलिट्री का कोई रूल नहीं है, मिलिट्री की कोई अदालत नहीं है, और वो जिस तरीके से भी अपना मिलिट्री का फील्ड कोर्ट मार्शल करते हैं, आप ये कह दें कि बस इसको ख़त्म करें, सब हमेशा के लिए ख़त्म करें। किसी एक मौके के लिए तो ख़त्म नहीं हो सकता, ख़त्म होगा तो हमेशा के लिए होगा। और अगर मिलिट्री ट्रायल्स कोर्ट फील्ड कोर्ट मार्शल पब्लिक होने हैं या टेलीकास्ट होने हैं तो सबके होंगे। फिर नई तजवीज़ सामने आ रही है कि जजों की तादाद 17 से 23 कर दें, तो वो कहते हैं कि इसका एक मकसद ये है कि वो जो 13 रुकनी बेंच का फैसला आया हुआ है मखसूस नशस्तों का, PTI को दे दी जाए 8-5 से, तो अगर रिव्यू में जाया जाएगा तो नए जज डलने से बड़ा बेंच बैठेगा, तो हो सकता है मुखालफीन की तादाद बढ़ जाए। इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का जिक्र हो रहा है कि जजेस की रिटायरमेंट एज, कुछ कहते हैं कि उसको 68 कर दिया जाए, जनरल फैज़ को 3 साल, जनरल फैज़ नहीं, काजी फैज़ ईसा को 3 साल और मिल जाएंगे, और कुछ कहते हैं कि 62 कर दिया जाए ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सत्तर मनिल्ला, ये सारे वैसे ही रिटायर हो जाए। ये गॉसिप चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में, तो आप लोग क्या समझ से कि ये करने के इरादे क्या है इनके? रिटायरमेंट एज के लिए आईनी तरमीम चाहिए, तादाद बढ़ाने के लिए एक्ट है, लेकिन देखें बिल्कुल हमने भी ये सुना कि पहले खबर आई जनाब के कल साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है, फिर आई कि जनाब ये चाहते हैं कि अब जो सीनियोरिटी वाला मामला है उसको जो है ख़त्म करके, तो 4-5 जो सीनियर जजेस होंगे उनमें से अपनी मर्जी का पैनल आएगा। फिर हमने ये भी सुना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोई जज जो है वो ऊपर नीचे होगा तो फिर उसे जनाब यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा और बलोचिस्तान ला दिया जाएगा, ठीक है। फिर साथ ये भी सारी चल रही है कि तो इन्हें अदालत का जो है कानून था उसे भी खत्म किया जाए, क्योंकि अगर जज कोई इंसाफ देता है तो उसके ऊपर मरियम साहिबा या कोई आकर जो मर्जी है उसे रिपोर्ट करें। अदालत के ऊपर आजम नजीर तारण ने आज वजाहत किया, क्योंकि वो एक आईनी एक शिक है जिसके नीचे वो एक्ट बना हुआ है, तो उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी इशू अभी फील्ड में है, पता नहीं उसमें से क्या करेंगे और क्या नहीं। वही बात है ना, और मैं ये यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें बात ये इन्होंने की कि 9 मई के हवाले से, 9 मई नहीं, 9 मई पे नहीं अभी जाना, ये मामला मुतनाज़ा हो जाएगा। अगर देखें ऑब्जेक्टिव अगर सियासी हो गए तो मामला बिल्कुल सियासी है ना जी, क्योंकि ये देखें अपनी ज़ात को फ़ायदा देने के लिए सारा किया जा रहा है। और सबसे अगर बुनियादी चीज़ देखी जाए तो 8 फरवरी को जिस तरह डाका डाला गया, उस डाके के बाद फॉर्म 47 के मुताबिक इन्हें बनाया गया, तो इनको तो आवाम ने मुंतखब भी नहीं किया, और ये आए रोज़ जनाब फलानी पॉलिसी उसके साथ एग्रीमेंट हो गया और हम ये कानून लेकर आए। भाई कौन 25 करोड़ आवाम जो है उसकी तर्जुमानी आपने करनी है? अगर आप फॉर्म 47 लेकर भी वहाँ बैठे हैं तो 25 करोड़ आवाम को आप कहें कि हमने आपकी तर्जुमानी करनी है, आप अपनी मर्जी से आवाम की मंशा के खिलाफ कानून साजी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क जो है आपके मुताबिक चले ना कि कानून और आइन के मुताबिक चले। और जहां पर बात की जा रही 9 मई के हवाले से, ATC सरगोधा के आज जज आज मुझे उमर अयूब साहब ने बताया कि वो गए थे सरगोधा, उनके ऊपर वो जो जहाज के ऊपर जहाज को आग लगाने का कोई उनके ऊपर केस बनाया गया था, वो जज ही उठा लिए गए, तो उन्होंने फिर फौरन ही बजर साहब को फ़ोन किया कि आप उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दें, क्योंकि ये वही जज थे जिन्होंने लेटर लिखा था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उन्होंने कहा था कि मुदाखलत हो रही है, मुझे एजेंसियाँ हरासा कर रही हैं,
और वो चीफ जस्टिस साहब बोले, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को सीधा सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिए कि आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते। वो तो एलिवेट हो गए, उनकी तरक्की हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, एलिवेट किया गया। ये सबको पता है कि वो जज जो हैं वो कहते थे कि हम नहीं मरियम की मानेंगे, हम नहीं एस्टेब्लिशमेंट की मानेंगे, हम कानून और आइन के मुताबिक सूबे में फैसला करेंगे। हाफिज साहब से दोबारा हमारा रब्ता हुआ है। हाफिज साहब, ये जो जजेस की तादाद बढ़ाना है और आइनी तरामीम के जरिए अदलिया को काबू करने की कोशिश है, इसके ऊपर आपकी जमात का JUI का क्या मौकफ? देखिए, मैं थोड़ा मुसद्दिक मलिक साहब भाई की दो बातें थी उसका मैं ज़रा वजाहत करूँ। एक तो हमने 9 मई का मैंने कहा हम सब इकट्ठे थे, PMLN और हम सब इकट्ठे थे, बेक आवाज़ हमने उसकी मजम्मत की कि किसी भी रियासत में, किसी भी एक ऐसे माशरे में जब आपकी दिफाई इदारों के मराकज पे हमले होते हैं, कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल नहीं हो सकता, ट्रायल भी हो सकता है। सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होना चाहिए, सिविल कोर्ट में या मिलिट्री कोर्ट में? मैंने कहा मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लिहाजा मैंने कहा कि मैं सिविल कोर्ट का कायल हूँ, वहाँ होना चाहिए। अब इसमें कबाहत क्या है कि अगर आप एक आदमी की मिलिट्री कोर्ट के बजाय सिविल कोर्ट में उसकी ट्रायल करे और सबूत तो आपके पास मौजूद है, शवाहद मौजूद है, तो फिर इसमें कौन सी कबाहत है? उसी से सजा दिलवाएं आप, एक बात। दूसरी बात यह, जहाँ आपने जजेस की पैकेज की बात की, अभी तक हमारे सामने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं आई है कि क्या चाहते हैं हुकूमत या हुकूमती पार्टियों की चाहत क्या है। सबसे पहले उनकी नियत को देखा जाता है, क्या आप जो जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत में तौसी देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं? इदारे की, अदालत की मजबूती के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए, क्या क्या मतलब है इसमें, क्या है वो ज़रा हमें समझाए। और जहाँ जजेस की तादाद के इजाफे की बात है, तो आप पहले क्यों नहीं करते थे, आज क्यों नौबत आई, आज क्यों ज़रूरत पेश आई? लिहाजा टाइमिंग को भी देखना होगा कि क्यों, क्या वजूहत है, क्या मजबूरी है। पाकिस्तान की तारीख में हाफिज साहब की बड़ा बदनामे जमाना वाक़ जब स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी और PMLN के दौर में हुई थी, और उस तनाज़े की जो इब्तदा थी जस्टिस सज्जाद अली शाह से, वो तनाज़े की इब्तदा ही इस बात हुई थी कि उन्होंने कहा था जजेस की तादाद बढ़ाएं, और PMLN उससे गुरेज कर रही थी। फिर उनके खिलाफ कुछ तकरीरें हुई, फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, फिर एक उस वक्त एग्जेक्टिव ऑर्डर से जजेस की तादाद मुकर्रर करने की कोशिश की गई। तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अकरम शेख साहब हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद फिर कोर्ट का ऑर्डर आया और फिर ये एक्ट बना जिसमें तादाद मुकर्रर हुई थी। उस वक्त नून लीग उसकी मुखालफत कर रही थी, आज वो उसको कह रहे हैं 23 कर दें। लेकिन आपकी बात का सर बाद मामलात में रोल मैं थोड़ा वाजे चाहता हूँ आप कर दें। अभी जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब की, उसमें हमने खबर सुनी कि शायद JUI को कहा गया है कि आप हुकूमत में शामिल हो जाएं, गवर्नर KP का आपको लगा देते हैं और आईनी रिफॉर्म में आप हमारा साथ दें, क्या ऐसी कोई बात हुई? देखिए नजीम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपने मेरी बात की तायद की, मैंने दो चीज़ों की वजाहत में दो निशानदेही की, एक टाइमिंग की, वक्त को देखी है, दूसरी बात ये कि ज़रूरत क्यों पेश आई, मजबूरी क्या है, दोनों सूरतों में ये इसका जवाब देना। और तीसरी बात मैंने ये की कि नियत को भी देखना होगा। जहाँ तक आपने जरदारी साहब की मुलाकात की बात की, वो सिर्फ मुलाकात तक महदूद था, न मौलाना साहब को उन्होंने इन कवानीन के बारे में कोई बात की है, न हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है। अगर फ़र्ज़ करे, मान ले 5 मिनट के लिए, कि जरदारी साहब ने मौलाना साहब को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी या आपको गवर्नर देंगे या फलाना देंगे, मेरे ख़्याल में ये नामुमकिन होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम मौजूदा सेटअप में हुकूमत का हिस्सा बनेगी, ये जहन से निकाल दे। इसका ये जुनून भी अस्त, महाल भी अस्त, ये ख्याल बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आज की सियासत में। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये 2/3 कैसे हासिल करेंगे अगर आइनी तरामीम करनी है? जी, मुझे तो बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही इस वक्त, मुझे तो बज़ाहिर कोई नंबर्स हमारे नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से मुझे तो ये तमाम गुफ्तगू जो हो रही है इसका कोई महवर नहीं मालूम कि ये गुफ्तगू क्यों हो रही है। सर, एक बिल तो वो दानियाल वाला तो, लेकिन उसका तो कोई भी हो, देखिए ना, जो बिल जो तो आई, देखिए मैं वो टेबल भी हो चुका है जी, मैं जब कोई, मैं तो उसको कब डिनाई कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मैं अमेरिका में था तो एक वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में किसी ने पूछा कि
कि आइन का सबसे बड़ा जीनियस क्या है, तो बहुत तकरीर के बाद ये पता चला कि आइन का जो सबसे बड़ा जीनियस है वो है प्रोविजन फॉर चेंज। मुश्किल से की जाती है, जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास नंबर नहीं होंगे तो वो नहीं होगी तरमीम, लेकिन बहरहाल उसका जीनियस यही है कि उसमें तरमीम की जा सकती है। आप किसी जगह पे पाकिस्तान की जुडिशल तारीख जो है उसका सिरा उठा लें, मौलवी तमीज़ुद्दीन से उठा लें, भुट्टो की साहब की शहादत फांसी से उठा लें, कोई उठा के देख लें, तो आपको अभी मौजूदा जो हमारे फैसले हुए हैं जिसमें बहुत तकरार आपके प्रोग्राम्स में भी हुई, पंजाब की वो फ्लोर जी, मतलब कि बहुत से फैसले, यानी कोई दो फैसले ऐसे नहीं जिनमें मुताबकत हो। इसका मतलब है कि कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है सर, लेकिन कुछ चीज़ें तकाजा करती हैं कि आपके पास टू थर्ड हो, जो आपके पास तो नहीं, नहीं, नहीं है। हमारे तो जहन में पहला सवाल यही आता है कि अगर आपका ये इरादा करने का तो मलिक क्या करेंगे, इनके 41 बंदे हमें भेड़ बकरियां नजर आती हैं कि आप तोड़ेंगे। देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने तो आपके सामने अभी कोई दावा नहीं किया कि हम आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। हम आइन में तरमीम होने वाली है, होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये आइन और कवानीन काम नहीं कर रहे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जो फैसले आ रहे हैं वो एक दूसरे से मुतसादिम है। एक ही आइन की वो एक बंदा देख के एक फैसला कर रहा है, दूसरा देख के दूसरा फैसला कर रहा है। इसका मतलब उसमें वजाहत की ज़रूरत है, और अगर नहीं होगी तो कभी भी यानी फैसले जो हैं वो यकसानियत के साथ, जिसको प्रेसिडेंस कहते हैं, उस तरह नहीं आएंगे सामने। एक चीज़ और बता दें, क्या नवाज शरीफ इस प्रोसेस की, ये जो आप जुडिशरी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अप्रूवल कर रहे हैं? उसकी जी, मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ बिल्कुल किसी अदालत को काबू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या मौजूदा हुकूमत। क्या नवाज शरीफ और बोर्ड हैं इस प्रोसेस के, जजेस की तादाद बढ़ाने के और जुडिशियल प्रैक्टिस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखिए ना, अभी मेरे भाई ने थोड़ी देर पहले नाम लेके कॉल आउट किया दानियाल को, जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। ये भी दोस्त है, वो बहुत अच्छा दोस्त है। तो चाहिए तो ये था कि उसको ऑनलाइन लेते ताकि वो इनको उनकी बात का जवाब दे सकता, लेकिन इसी तरह यक तरफा इल्ज़ाम लगा देना किसी प्रोग्राम में। नवाज शरीफ अप्रूवल देते हैं इस प्रोसेस की 17 से 23 जज का? जी मुझे कतन नहीं मालूम, क्योंकि अगर दानियाल से पूछे तो आपको बताएगा ना, मगर कोई भी शख्स, मैं तो आपकी हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर, मैं आपको हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर बता रहा हूँ कि किसी भी एक फर्द का अगर वो कानून में पार्टी हेड है नवाज शरीफ ना, उनकी अप्रूवल चाहिए आपको। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी अगर कानून के अंदर तरमीम का बिल कोई लाता है तो उसके बैठ के उससे आपसे आपको पूछना होगा। मैं ये समझ, नवाज शरीफ लंदन जाएंगे? जी हो सकता है जाएं, वो अपने इलाज के लिए हमेशा जाते हैं। उनके वो जो सर्जन्स हैं, पहले भी उन्होंने कोशिश यही की है कि जब भी उनका रिव्यू होता है वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, जब दोबारा चेकअप के लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं, खबर नहीं मेरे। पंजोता साहब, जो काजी साहब की रिटायरमेंट की डेट है आई थिंक अक्टूबर में, अक्टूबर 25 है, तो ये यहाँ से लेकर एंड अक्टूबर तक का टाइम इज़ गोइंग टू बी रियल सेंसिटिव सियासी एतबार से, जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर तो मंसूर अली शाह साहब इनको काबिल कबूल हैं, काबिल एहतराम आदमी हैं, बड़े उन्होंने अपराइट डिसीजन लिए हैं ह्यूमन राइट्स के इशू पे, अतर मिनिल्ला साहब से कोई इशू नहीं है किसी को, तो फिर तो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर वो आप पानी में हचकोले खाते हुए नज़र आएंगे सारे हुक्मरान जो हैं। नहीं देखें, दो हैं ना जी यहाँ पर, एक तो काजी फैसल साहब के बारे में बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। जैसे हमदुल्ला साहब ने फरमाया कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से जो है वो ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए या एक्सटेंशन दी जाए, क्या वजह है? आपके सामने है कि मुल्क के अंदर जो धांधली ज़्यादा डाका डाला गया वही काजी फैसल साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन को आकर डिफेंड कर रहे होते हैं कि इनकी इज्जत करें। नहीं, आप इल्जाम आयद कर रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट नहीं करता, मैं इसकी नफी करता हूं। ये आपकी ओपिनियन मुतनाज़ा ओपिनियन है? मुतनाज़ा नहीं है। एज पाकिस्तान, ये एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास 12 दरखास्तें लेकर गए लेकिन उन्होंने नहीं लगाई और अभी भी पेंडिंग है। और हमारा रोज कह रहे हैं उसी बेंच पे बैठ के काजी फैजी साहब ने कहा कि उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि बल्ले का निशान छीन लिया जाए, ये इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया। ना ना, देखें, इलेक्शन कमीशन को आकर वो डिफेंड करते हैं, उनके रिमार्क्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। नंबर टू, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वो टारगेट करते हैं, खान साहब का कभी नाम ये आपकी ओपिनियन है ना ना, जिसका रियलिटी से करीब से भी ताल्लुक नहीं होता है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो फैसले उन्होंने दिए हैं, उन फैसलों के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सारा कुछ। और जहाँ पर धरना केस अहम है, जहाँ पर जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो वाला फैसला धरना केस है, उसका फैसला काजी फैसल का था जिसके ऊपर आपने उनके ऊपर रेफरेंस फाइल किया, जो सारा अहम है। तो पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है, पाकिस्तान का हर शहरी इंसाफ मांग रहा है। तो इंसाफ क्लोजिंग ये जा क्लोजिंग रिमार्क्स हाफिज अब्दुल्ला साहब से ले लें। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये जितने मसाइल सियासी एतबार से ये सिंह फंसते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है ये 2-3 महीने बहुत ही सेंसिटिव होने वाले हैं सियासी एतबार से।
जी आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ जंग जो असल बुनियादी चीज़ है ये इदारों के दरमियान तसादुम है, आप खुद और उसूली जंग है। बुनियादी तौर पर अपोजिशन का मानना ये है कि जो आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, आप माशी इस्तेहकाम चाहते हैं, आप सिक्योरिटी इस्तेहकाम चाहते हैं, तो इस मौजूदा हुकूमत की मौजूदगी में ख्वाह वो बलूचिस्तान की हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत या पूरे मुल्क की, इस इलेक्शन के नतज के नतीजे में न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा और न आपका सिक्योरिटी मुस्तहकम होगा। तो जब सूरत हाल ये होगी और आप फिर उसकी आड़ में इदारे आपस में लड़ते हैं, एक तरफ पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ जुडिशरी है, और फिर आपस में जुडिशरी की हाई कोर्ट के जजेस क्या कहते हैं कि हम पर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या रिएक्शन दिया है, अभी तक इलेक्शन कमीशन का रोल भी आपके सामने और एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी आपके सामने है। इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये मुल्क कहाँ जा रहा है, ये 25 करोड़ आवाम का, इनकी महंगाई, गुरबत, मस्कनत, इनकी इम्कान बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए भी और भी बहुत बड़ा ये खतरा है।